Hey guys, तो कैसे हैं आप सभी लोग। So guys, आज की इस वीडियो में RC21 पर बात करने वाले हैं। साथ ही में guys, इस गेम में आप लोगों को कौन से फीचर देखने को मिलने वाले हैं और guys, ये गेम आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा, सब आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो आप सभी RC21 फैंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो guys, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो guys, RC21 का वेट करते करते हम सभी फैन बहुत ज्यादा थक चुके हैं और guys, RC21 की कंपनी कुछ भी रियल क्रिकेट 21 से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही है। नॉट इन ने यहां तक इसका लोगो भी रिवील नहीं करा है और ना ही ट्रेलर लॉन्च करा है। तो गाइस, इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं निकल के आ रही है। तो गाइस, क्यों नहीं आ रही है, कब तक आएगी, क्या है रिलेटेड इसके लिए इंफॉर्मेशन, ये सब आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो गाइस, अगर ये लोग इतना टाइम ले रहे हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये गेम जो भी आने वाला है बहुत ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, आप सभी के लिए एक ऐसा गेम आने वाला है जो आप लोग ने कभी एक्सपेक्ट ना करा हो। जाहिर सी बात है, अगर इतना टाइम ले रहे हैं तो गाइस, इसमें हम लोग को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला जो अभी तक किसी भी क्रिकेट गेम में ना आया हो। साथ ही में गाइस, इस गेम को ये लोग बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस, ऑब्वियस सी बात है, गेम जब भी आएगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, इसके फीचर्स रिलेटेड अगर बात करी जाए तो उसके फीचर आप लोगों को इसमें रियल फेस देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, कुछ टाइम पहले अनुज मार्कर सन ने खुद ऑफिशियली कंफर्म करा था कि इसमें आप लोगों को BGMI जैसे आप लोगों को ग्राफिक देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में बहुत लोगों का, जितने भी फैंस हैं, वो लोग रियल फेस चाहते हैं। तो गाइस, अनुज मार्कर सन ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रियल फेसेस आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, उन्होंने कहा है रियल फेसेस, तो गाइस इसका एक मतलब बिल्कुल साफ है कि आप लोगों को इसमें रियल फेस कंफर्म देखने को आप लोगों को मिलने वाले हैं। साथ ही में गाइस, आप लोगों को इसमें रियल फेसेस के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग फीचर देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस, अगर इसमें रियल फेस आ रहे हैं तो हो सकता है इन्होंने लाइसेंस भी ले लिया हो। वैसे गाइस, बहुत ही मुश्किल है गाइस, क्योंकि गाइस BCCI अपना लाइसेंस इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं करती किसी को भी। तो गाइस, आप लोगों को हो सकता है रियल फेसेस में आप लोगों को 90-80% आप लोगों को हो सकता है रियल फेसेस दिखे, 100% कंफर्म देखने को नहीं मिल सकती हैं। तो गाइस, ये तो गेम आने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे फेस होने वाले हैं। फिलहाल आप लोगों को 80-90% मैचेस देखने को मिलने वाले। तो गाइस, और गाइस, आप लोगों को जो रियल के 20 में रोबोटिक टाइप का ये जो प्लेयर देख रहे हैं आप लोगों को ऐसे बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल लगभग 80-90% फेस मैच आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में आप लोगों को इसमें बिग फीचर और भी अगर बात करी जाए, करियर मोड का बहुत ही बड़ा एक बिग फीचर आप लोगों को इसमें ऐड होकर मिलने वाला है। तो गाइस, करियर मोड भी आप लोगों के लिए ऐसा वैसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग करियर मोड होने वाला है। तो गाइस, करियर मोड में आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन और गाइस कटसीन एनिमेशन आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग करियर मोड देखने को मिलने वाला है। उस करियर मोड में आप लोग अपना खुद का कैप्टन भी मतलब आगे जाके बन सकते हैं अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। साथ ही में वाइस कैप्टन के रूप में भी आप लोगों को मतलब मौका मिल सकता है कि हाँ, एज अ वाइस कैप्टन आप लोग खेल सकते हैं टीम में। तो गाइस, ऐसा कुछ करियर मोड में आने वाला है, कन्फर्म न्यूज़ है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो गाइस, WCCI में बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को करियर मोड इसमें रियल क्रिकेट 21 में जो देखने को मिलने वाला है बहुत ज़्यादा धमाकेदार देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप लोगों के लिए और भी बहुत ही बड़े बिग और अमेजिंग फीचर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में गाइस, आप लोगों को इसमें मैनुअल फील्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, मैनुअल फील्डिंग का ऑप्शन मेरा मतलब है कि गाइस कैचेस एचेस से है या फिर आप लोगों को थ्रोरो से। तो गाइस, इसमें अभी तक आया नहीं है। तो गाइस, आप लोग बताओ गाइस कि सचिन सागा में आप लोगों को मैनुअल फील्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस, ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी आप लोगों को मैनुअल फील्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। आप अपने खुद से आप अपना थ्रो कर सकते हैं डायरेक्ट हिट या फिर आप लोगों को जैसा जहां भी चाहे थ्रो कर सकते हैं। साथ ही में गाइस, आप लोगों को इसमें मैनुअल कैचिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग WCCI में देखते हैं, सचिन सागा में देखते हैं कि कैचेस आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन पर आता है, उसी के बाद आप लोगों को कैचेस अपने आप इसमें पकड़नी पड़ती हैं, अपने आप प्लेयर नहीं पकड़ता है। तो गाइस, ये भी आप लोगों को ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही में गाइस, आप लोगों को स्टेडियम कस्टमाइजेशन का भी फीचर हो सकता है, बहुत ही बड़ा फीचर है बट गाइस, हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले। और गाइस, स्टेडियम आप लोगों को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आप लोगों को बिल्कुल रियल फीलिंग आने वाली है। साथ ही में गाइस, आप लोगों को 3D एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और 3D क्राउड मतलब देखने को मिलने वाला है। इसमें आप लोगों को 3D क्राउड का मतलब जैसे कि आप लोग को प्लेयर जैसे कि मतलब दर्शक जो आते हैं वो बैठे हुए मिलते हैं। तो गाइस, वो लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसे ही मतलब कार्टून वार्टून टाइप का बैठा हुआ, तो बट आप लोगों को रियल के 21 में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक क्राउड देखने को मिलने वाला है। साथ ही में आप लोगों को गाइस रियलिस्टिक जर्सी और गाइस में आप लोगों को कई सारे कटसीन एनिमेशन ऐड होकर मिलने वाले हैं। तो गाइस, अगर इसकी ट्रेलर की बात करी जाए तो ट्रेलर आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीक मतलब चल रहा है सितंबर का, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को इसी मंथ मतलब इसी मंथ के एंड में जो आप लोगों को लास्ट वीक होगा उसी में आप लोगों को कुछ ना कुछ उनकी तरफ से
इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। अगर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो गाइस नेक्स्ट मंथ जो अक्टूबर का आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी रेलगेड फैन के लिए। उस मंथ में आप लोगों को ट्रेलर साथ ही में आप लोगों को रेलगेड 21 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है। साथ ही में गाइस आप लोगों को नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रेलगेड 21 कैसा होने वाला है। साथ ही में आप लोगों को ट्रेलर भी मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा फीचर्स भी क्लियर हो जाएंगे, सब आप लोगों को नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो जाने वाला है। साथ ही में आप लोगों को हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के एंड में इसका बीटा लॉन्च कर दें या फिर आप लोगों को ये गेम का बिल्कुल देखने को मिल जाए, क्योंकि गाइस ये इतना बड़ा गेम होने वाला है आप लोगों को एक साथ पूरा फीचर देखने को नहीं मिलेगा, बीटा में ही लॉन्च करेंगे सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे अपडेट्स आने के बाद आप लोगों के लिए मतलब फुल वर्जन में लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर नवंबर अक्टूबर के एंड में इसका बीटा वर्जन लॉन्च होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस आप लोग बस रेडी रहिए, इतना जहाँ तक वेट करा आप थोड़ा बहुत और वेट करिए, बहुत जल्दी रेलगेड 21 की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पहली बार जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलूंगा आप सभी को बहुत जल्दी नई वीडियो तक ले। जय हिंद, बाय।